नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक नई दिशा। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेरी की। सर्दियों के मौसम में मिलने वाले स्वादिष्ट फल के रूप में बेर को जाना जाता है। इसकी पत्तियां हरी और चमकदार होती हैं। इसके फलों की तरह इसके फूल भी आकार में छोटे छोटे होते हैं। यह एक कांटेदार पेड़ होता है। अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि आपके बड़े बूढ़े कभी कभी आपको बेर खाने से मना करते हैं, क्योंकि बेर की तासीर ठंडी होती है, जो आपके लिए सर्दी खांसी का कारण बन सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि बेर खाना हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं और कई प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी आपको इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप बेरी का सेवन करें, क्योंकि बेर में कोलेस्ट्रॉल कम करने की मात्रा होती है। इसके अलावा बेरी में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये आपको उचित ऊर्जा प्रदान करने में आपकी सहायता करता है। अगर आप बेर का सेवन करते हैं तो ये आपकी भूख को नियंत्रित करता है, जो कि आपके वजन को कम करने में आपकी काफ़ी सहायक करेगी। उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियों का कमज़ोर हो जाना सामान्य बात होती है, लेकिन आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि बेर में कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। ये घटक आपकी हड्डियों को मजबूती बनाए रखने में आपकी काफ़ी सहायता करते हैं। यदि आप तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बेर आपकी मदद कर सकता है। बेरी का उपयोग तनाव, अवसाद व अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसलिए तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप बेर को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। स्वास्थ्य के लिए बेर खाने से किसी प्रकार के नुकसान नहीं होते, लेकिन फिर भी शुगर रोगी को इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उच्च मात्रा होती है, जो आपके शरीर में रक्त के प्रभाव को बढ़ा देती है, जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में बेर सेवन करने से दस्त, भूख की कमी और शरीर में सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बेरी के फायदों के साथ इसके थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। तो ये थी दोस्तों बेरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।